हेलो फ्रेंड्स, ये जेसीबी का जनरेटर होता है हमारा, जिसके अंदर जेसीबी जनरेटर मीन्स पावर प्रोडक्ट के नाम से है ये। इसके अंदर सर हम लोगों की रेंज होती है 63 kV से लेकर हमारे पास में 200 kV तक की रेंज है। ये हम जेसीबी जनरेटर, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है ये बल्लभगढ़ है, पर हम लोग यहाँ पर इंदौर में इसके डीलर है सर, जेसीबी के जनरेटर के, जहाँ पर हमारी मशीन्स भी होती है, जिसके अंदर हमारा बैकहो हुआ है, 3DX हुआ है अपना, 140 है, 205 मशीन भी है, और हमारा डीजी सेट भी है। हमारा ये भोपाल मोटर्स के नाम से यहाँ पर हम लोगों का ऑफिस है। आप अगर हमारे डीजी सेट में आप देखेंगे कि जो हमारी रेंज है 63 kV से 200 kV तक की रेंज है सर, इसके अंदर हमारा फ्यूल कंजम्पशन बहुत अच्छा है। अगर मैं कॉम्पिटिटर की बात करूँ, अदर्स डीजी सेट की बात करूँ सर, वो भी सारे डीजी सेट बेस्ट है, पर मैं चाहूँगी एक बार आप लोग अगर जेसीबी के डीजी सेट यूज़ करेंगे सर तो बेटर सर। को एक बार खोल कर दिखाना चाहूँगी। ये इसके अंदर ओपन जो ये डोर है, ये इसके अंदर लॉक होता है, और इमरजेंसी में अगर कुछ इन केसेस ऐसा लगता है कि आपका जनरेटर अगर चल रहा है और इमरजेंसी में कुछ फायरिंग की प्रोसेस आई है, क्या कुछ फायरिंग हुआ है, आपको डोर खोलने में टाइम लगता है, तो यहाँ पर हमारा एक इमरजेंसी स्विच होता है। आप उस इमरजेंसी स्विच को अगर आप प्रेस करते हो तो यहाँ से आपका डीजी सेट बंद हो जाता है। इसके अंदर जो हमारा जनरेटर है, इसमें सबसे अच्छी फैसिलिटी ये है कि इसके अंदर जो इंजन होता है वो हमारे खुद के जेसीबी के ही इंजन होते हैं सर। इसके अंदर जो हमारे इंजन होता है वो हमारे खुद के जेसीबी के इंजन होते हैं, और इसके अंदर जो सिलेंडर यूज़ होते हैं सर, वो हमारा 6 सिलेंडर इसके अंदर यूज़ होता है सर इसके अंदर। और आप अगर इसकी बात करेंगे सर, देखेंगे तो इसकी जो ये कैनोपी होती है, ये जो सॉरी अपनी जो बॉडी होती है सर, ये बॉडी हमारी पूरी सर सिंगल कोटेड है। आपको इसमें बॉडी में कहीं पर भी आपको गैप नहीं मिलेगा कि आपको बीच में अगर कहीं पर ऐसा गैप मिल रहा है या कुछ लाइनिंग्स आ रही है। आप इसको कितने भी वाटर में या कितने भी खुले एरिया में अगर आप रखोगे, अगर बारिश के दिन में भी, अगर आप बारिश में भी इसको बाहर अगर आप रखोगे तो भी सर इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका वाटर यहाँ पर अंदर वो नहीं होगा, नहीं जाएगा, आपका पूरा ये सिंगल कोटेड है, तो कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। आप देखेंगे इसकी कैनोपी इनबिल्ट होती है और बिल्कुल साइलेंट जनरेटर है सर ये। आपको ये आवाज़ भी कभी नहीं करता है, ये बिल्कुल साइलेंट जनरेटर होते हैं। आप देखेंगे इसके अंदर एयर के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये आपका पूरा पैनल होता है यहाँ पर, जहाँ पर आप ये पैनल से आप देख सकते हैं कि आपका डीजी सेट कितना चला है, क्या है, ये सारा आपका पैनल्स होता है। ये आपका पूरा देखिएगा सर, आप इसके अंदर जो मेन डोर दिए हैं वो दो डोर दिए हुए हैं, और सारा आपका एयर वगैरह का भी दिया है, जिसमें आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आनी। और सर इसके अंदर जो अगर आप बात करेंगे फ्यूल कंजम्पशन की, तो जितने भी जो हमारे ब्रांड है उसमें फ्यूल कंजम्पशन इसका अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो इंजन होते हैं वो हमारे खुद के जेसीबी के इंजन होते हैं, जो जेसीबी खुद इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। और अगर आप इसमें प्राइसिंग की बात करेंगे, तो इसका प्राइसिंग अगर आप बात करते हैं, तो अगर आप कॉम्पिटिटर पर जाते हैं तो कॉम्पिटिटर के कंपेरिजन में इसका आपको प्राइसिंग हाई लगेगा, पर जब आप इसको चलाएंगे, जब इसको आप इसकी रनिंग करेंगे, तो सर इसका प्राइसिंग आपका फिर उसमें प्राइसिंग मायने नहीं रखेगा, आपका ब्रांड मायने रखेगा। अगर बेसिकली मैं इसी डीजी सेट की बात करूं अगर प्राइसिंग को लेकर सर, तो ये आपको डीजी सेट पड़ता है सर आपका विदाउट जीएसटी आपका 5,20,000 का रहेगा, और अगर इसके अंदर आप जीएसटी वगैरह ऐड करना चाहेंगे और इंदौर की लोकेशन में ही अगर ये डीजी सेट मुझे सेल करना है सर, तो ये पड़ता है आपको 6,50,000 का सर कंप्लीट। आपको इसकी रिक्वायरमेंट रही सर, तो मेरा यहाँ पर खुद का हम लोगों का डीलर है, जो भोपाल मोटर जेसीबी फर्स्ट पंचवटी कॉलोनी लसूड़िया मोरी के नाम से रहेगा सर। ओके, आप वहाँ पर आके सर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और कुछ बेहतर जानकारी जानना है, तो सर प्लीज़ वेलकम, आप हमारे डीलरशिप पर आप लोग आ सकते हैं। थैंक यू।